हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर से यूनिट फिफ्थ में इमा, जिसे जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है, इसकी पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं जेन ऑस्टिन से उनकी बायोग्राफी को, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को और इमा के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने ये वीडियो ना देखे हों तो वह बीए फोर्थ सेमेस्टर नाम से बनी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इमा की कहानी को। दोस्तों, यह कहानी है इमा वुडहाउस की। इमा कहानी में मेन प्रोटागोनिस्ट है, मतलब पूरी कहानी इमा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोस्तों, इमा का मानना है कि वह एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन इंटेलिजेंट वह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमा को लगता है कि वह इस दुनिया में लोगों की शादियां कराने के लिए आई है, मतलब मैच मेकिंग के लिए बनी है। दोस्तों, स्टोरी में होता क्या है, इमा ने मिस टेलर की शादी मिस्टर वेस्टन से करवा दी थी। आपको बता दें कि ये मिस टेलर इमा की गवर्नेस है। तो यहाँ इमा को यह महसूस होने लगा कि वह इस दुनिया में लोगों की शादियां करवाने आई है, बट सी इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, लेकिन खुद शादी में वो इंटरेस्ट नहीं रखती है। दोस्तों, इस स्टोरी में इमा की एक फ्रेंड है जिसका नाम हैरियट स्मिथ है, और सोसाइटी में हैरियट स्मिथ को इन्फीरियर समझा जाता है, यानी तुच्छ समझा जाता है, क्योंकि इसके अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, स्टोरी में होता क्या है कि रॉबर्ट मार्टिन हैरियट स्मिथ को मैरिज का प्रपोजल भेजता है, क्योंकि बोथ आर लाइक्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रॉबर्ट मार्टिन बाय प्रोफेशन एक रिच फार्मर है, यानी जो रॉबर्ट मार्टिन है वो एक धनी किसान है। दोस्तों, स्टोरी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी इन दोनों के रिलेशन में दरार डालने के लिए इमा आ जाती है, और इमा अपनी फ्रेंड हैरियट स्मिथ से रॉबर्ट मार्टिन के शादी वाले प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए कहती है। हेयर इमा सेज टू हैरियट स्मिथ, यहाँ पर जो इमा है अपनी दोस्त हैरियट स्मिथ से कहती है That you deserve the best than Robert Martin, कि तुम रॉबर्ट मार्टिन की अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि हैरियट रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ रॉबर्ट मार्टिन, यहाँ पर जो हैरियट स्मिथ है वो रॉबर्ट मार्टिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो अब प्रपोजल रिजेक्ट करवाने के बाद यहाँ पर इमा हैरियट की मुलाकात मिस्टर एल्टन से करवाती है। दोस्तों, ये जो मिस्टर एल्टन है ना, चर्च में एक विकार है, मतलब चर्च में काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इमा हैरियट को समझाती है कि तुम रॉबर्ट मार्टिन से शादी ना करके मिस्टर एल्टन से शादी कर लो, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, बोथ आर नॉट लाइक्ड टू ईच अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। मिस्टर एल्टन इमा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ना कि हैरियट स्मिथ को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर इमा मिस्टर एल्टन से कहती हैं सी डज़ नॉट लाइक यू, कि वो उसे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर मिस्टर एल्टन को इमा का बर्ताव
अच्छा नहीं लगा। जब बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो मिस्टर एल्टन उस शहर को छोड़कर टाउन ऑफ बाथ में जाकर चले गए और वहाँ पर रहने लगे। दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, तभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर जिसका नाम मिस्टर नाइटले है, उसकी एंट्री होती है। ये जो मिस्टर नाइटले है ना, इमा के ब्रदर इन लॉ है। तो यहाँ पर नाइटले महसूस करता है कि किस तरह से इमा हैरियट स्मिथ की शादी करवाना चाहती है। तो मिस्टर नाइटले कहते हैं कि इमा, तुम बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर इमा और नाइटले के बीच में बातों ही बातों में नोकझोंक शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी में एक करेक्टर जिसका नाम फ्रैंक चर्चिल है, अब उसकी एंट्री होती है। एंड ही इज़ द सन ऑफ मिस्टर वेस्टन। ये जो फ्रैंक चर्चिल है, मिस्टर वेस्टन का बेटा है। लेकिन मिस्टर नाइटले को फ्रैंक चर्चिल कुछ ठीक नहीं लगा और उसके ऊपर डाउट करता रहता था। लेकिन फ्रैंक चर्चिल और इमा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन यह फ्रैंक चर्चिल इमा के साथ फ्लर्ट करता है, उसे धोखा देने की कोशिश करता है। तभी स्टोरी में एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जेन फेयरफैक्स है। जेन इज ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ इमा। जो जेन है, इमा की फ्रेंड है एंड हैड अ लिटिल रोल इन द प्ले। और इस प्ले में बहुत कम इसका रोल है। बट इमा इज ज्वेलस ऑफ जेन्स ब्यूटी। लेकिन यहाँ पर जो इमा है, वो जेन फेयरफैक्स की ब्यूटी सुंदरता से जलती है, क्योंकि जेन फेयरफैक्स बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी इमा क्लियर करती है कि फ्रैंक इज नॉट अ गुड पार्टनर फॉर मी, कि जो फ्रैंक चर्चिल है वो मेरे लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं है। एंड हेयर इमा वॉन्ट्स टू फ्रैंक चर्चिल। और यहाँ पर इमा फ्रैंक चर्चिल से चाहती है दैट कि ही शुड मैरी टू हर फ्रेंड हैरियट स्मिथ, कि जो फ्रैंक चर्चिल हैं उनको उसकी दोस्त हैरियट स्मिथ के साथ शादी कर लेना चाहिए। लेकिन तभी हैरियट स्मिथ इमा के पास आकर बताती है कि सी इज गोइंग टू मैरी विद मिस्टर नाइटले, कि जो हैरियट स्मिथ है वो मिस्टर नाइटले के साथ शादी करने जा रही है। तो यहाँ पर इमा शॉक्ड हो जाती है, उसे झटका लगता है। दोस्तों, कहानी में दोबारा एंट्री होती है अब फ्रैंक चर्चिल की। फ्रैंक यहाँ सबके सामने एक सीक्रेट खोलता है, एक राज खोलता है कि उसने चुपचाप अपनी एंगेजमेंट कर ली है जेन फेयरफैक्स के साथ। एंड ही इज गोइंग टू मैरी विद जेन, और वह जेन फेयरफैक्स के साथ शादी करने जा रहा है। अब दोस्तों, होता क्या है कि इमा का दिल यहाँ पर टूट जाता है। एंड इमा रियलाइजेस दैट सी लव्स टू मिस्टर नाइटले। और इमा को अब महसूस होने लगता है कि वो मिस्टर नाइटले से प्रेम करती है। लेकिन हैरियट स्मिथ तो नाइटले से प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, यानी एक मोड़ आता है। यहाँ मिस्टर नाइटले आकर सबको शॉक्ड कर देते हैं। मिस्टर नाइटले इमा से प्यार करता है और यह बात सबको बता देता है। और इमा भी नाइटले से उतना ही प्यार करती है जितना कि नाइटले इमा के साथ करता था। तो दोस्तों, अब बची हैरियट स्मिथ। तो हैरियट स्मिथ को अब सेकंड प्रपोजल आता है रॉबर्ट मार्टिन का, क्योंकि रॉबर्ट मार्टिन को फर्स्ट प्रपोजल हैरियट स्मिथ इमा के कहने पर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब रॉबर्ट मार्टिन सेकंड प्रपोजल हैरियट स्मिथ को भेजता है, तो हैरियट स्मिथ एक्सेप्ट हिज सेकंड प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो हैरियट स्मिथ रॉबर्ट मार्टिन के सेकंड मैरिज प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, स्टोरी का यहीं पर द एंड हो जाता है। लेकिन एट लास्ट ऑफ द स्टोरी इमा और नाइटले की शादी हो जाती है
और रॉबर्ट मार्टिन और हैरियट स्मिथ की शादी हो जाती है और इस प्रकार कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी इमा की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।